शिवपुरी के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान शिवपुरी जनपद के ठर्रा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा हरिजन बस्ती के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान ठर्रा ग्राम पंचायत के दो दर्जन ग्रामीण बोरवेल की खराब मोटर लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव के द्वारा खराब मोटर को नहीं सुधरवाया गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा चंदा कर दो बार मोटर सुधरवाई गई, अब ग्रामीणों के पास भी पैसा नहीं है। ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा किसी भी सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा, जमकर भ्रष्टाचार सरपंच सचिव के द्वारा किया गया है। इस मामले पर जब जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा से बात की गई तो सरपंच सचिव पर कार्यवाही से पल्ला झाड़ते नजर आए और बोरवेल की मोटर को सुधरवाने के लिए सरपंच सचिव के पास जाने की सलाह दे डाली। सरपंच सचिव की समस्या ले गया है। क्या हो गया सरपंच? सरपंच सचिव कभी ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाते, कभी ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई आज तक, और सरपंच पंचों का मान्य दे निकाल लिया, वो आज तक भुगतान नहीं किया। नहीं, मोटर लेके आए थे, ये क्या समस्या? मोटर लेके आए जी, हरिजन मोहल्ले की बोर की समस्या है, दो महीने से बंद पड़ी है, आज तक किसी ने ठीक नहीं कराई। लोग चंदा करके उसको ठीक करवाते हैं, सरपंच अपना खर्चा डाल लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीओ जनपद को मैंने खुद ही बोला है, ये जवाबदारी पंचायत की होती है, पंचायत की जिम्मेदारी भी है, मोटर खराब होती है उसको सही कराए और पानी गांव वालों को मिले ये सुनिश्चित करें।